नीमच जिले में पिछले वर्ष मनासा विधानसभा में अतिवृष्टि को लेकर किसानों को फसल मुआवजा मिलना था, मगर कुछ को मिला और बाकी किसानों को 25% राशि ही वितरित हुई, जिसमें सिस्टम अपडेट में गड़बड़ी से कई किसानों को डबल तिबल राशि पहुंच गई थी, जिससे बैंकों में किसानों के खाते सील कर वापस रुपए भी लिए गए थे, जिसके बाद उलझन में फंसी राशि में 25% राशि ही बांटी गई, जो राशि किसानों को अभी तक लटकी हुई पड़ी है। तो वहीं कांग्रेस के चंद्रशेखर पालीवाल ने अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बाकी 75% बकाया राशि को लेकर SDO को ज्ञापन दिए हैं, जिसके बाद मनासा SDM मनीष जैन का कहना है कि अभी हमारे यहाँ बजट नहीं है, जैसे ही शासन का बजट आता है तो तहसीलदार से कहकर बंटवा दिया जाएगा। एक साल हो गया किसानों को मुआवजा नहीं मिला, किसान दर दर की ठोकर खा रहा है, बैंक के पैसे जमा नहीं कर सकते, हमारी हालत बहुत खराब है और लॉकडाउन के कारण भी स्थिति बगड़ी हुई है, कोई सुनने वाला नहीं है, फांसी खाने के कंगार पे है लोग बाग। मैं तहसील मनासा की बात करना चाहता हूँ। विगत वर्ष बहुत अतिवृष्टि हुई थी, उसमें सरकार ने एक मुआवजा तय किया था कि मुआवजा देंगे, लेकिन कहीं कहीं किसानों को तो 25% मिले, कहीं कहीं बिल्कुल नहीं मिले, तो उनका क्या दोष है जो पूरा 100% मिल गया और कहीं नहीं मिले। तो सरकार से निवेदन है कि 25% राशि मिली है, 75% देने की कृपा करें, क्योंकि इस वर्ष भी इल्ली के इतने प्रकोप से सोयाबीन में फफूंद नाशक इतनी आई कि वो सोयाबीन भी नष्ट होने वाली है। आपसे निवेदन है कि पहले भी हम सरकार के 2 लाख रुपए के ऋण माफ़ी में आ गए थे, वो भी माफ़ नहीं हुए, उस वजह से बैंक भी नहीं भराई गई और बीमा भी नहीं हुआ, तो 19 का बीमा भी नहीं मिलेगा। और किसान यहाँ खड़े देख लो, एक भी ऐसा नहीं है, वो सब कहने के लिए तैयार है। और यहाँ देवरी का वसा में और मन्ना से ही बात करो तो 10 किसान तो ऐसे मिल जाएंगे कि फांसी के कगार पर है। आपसे निवेदन है कि आपके माध्यम से, आज तक के माध्यम से, मैं निवेदन चाहता हूँ कि सरकार को अवगत कराए और किसानों की दुर्दशा का ये करें।